बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी वृंदावन के राधा रमन मंदिर पहुंची। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमन मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान वो कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आई और भजन प्रस्तुति दी। हेमा मालिनी ने करीब आधे घंटे तक भजन गाए और एक के बाद एक चार भजन गाती रही। दुनिया की 10 सबसे बड़ी मैराथन में से एक मुंबई मैराथन का आज आयोजन किया गया। 2 साल के बाद हुई इस मैराथन की शुरुआत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हुई, जिसमें करीब 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बैलों को काबू करने के इस खेल के पहले ही दिन आज 19 लोग घायल हो गए, जिनका फिलहाल सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने 10 दिनों तक बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर अब दिखने लगा है। शनिवार देर शाम को जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक के बाद एक 2 तूफान आए, जिसकी खौफनाक तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बर्फीला तूफान इतना भीषण था कि जैसे ही तूफान आया, कुदरत के बवंडर को देख लोगों के होश उड़ गए और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसी दौरान कुछ लोग एक दूसरे को ढाढ़स बताते भी दिखे और जमीन पर बैठकर जान बचाने की कोशिश की। बर्फीला तूफान इतना भीषण था कि जैसे ही तूफान वर्कशॉप से टकराया, तूफान की सुनामी से पूरा वर्कशॉप ढक गया और चारों तरफ बर्फ का घना कोहरा छा गया। इस दौरान वर्कशॉप में मौजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक दूसरे से बातचीत कर हिम्मत बंधाते दिखे। सारा अंदर आओ, सारा अंदर चले जाओ, शाबाश। अपने अपने रूम में बैठो, कोई बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एवलांच में फिलहाल किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन जब ये एवलांच आया उस वक्त बैरक के पास कई लोग मौजूद थे, इसलिए अनहोनी को देखते हुए सेना अलर्ट दी। सेना ने सोनमर्ग के सरबल गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने बर्फ को हटाकर एवलांच से हुए नुकसान का जायजा लिया। भारतीय सेना की टीम सरबल गांव के उस वर्कशॉप के पास भी पहुंची जहां पर तूफान वर्कशॉप से टकराया था। सेना और प्रशासन की टीम ने बर्फ की मोटी चादर को हटाकर ये देखने की कोशिश की कि कहीं कोई शख्स तूफान की चपेट में तो नहीं आया। अपनों की तलाश के लिए सेना ने खोजी कुत्तों की भी मदद ली। भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे को देखते हुए सेना ने इलाके में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थानों में ले जाया गया। सेना ने सरबल गांव के लोगों को भी गांव से हटाकर दूसरी जगह ठहराया है ताकि कोई भी एवलांच की चपेट में ना आ जाए। जम्मू कश्मीर में 10 दिनों तक एवलांच का अलर्ट है। वहीं राज्य में हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में कई जगह रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी एक तस्वीर पुंछ जिले से भी सामने आई। पिछले 3 दिनों से हो रही बर्फबारी रविवार को थम गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों को खोलने का काम तेज कर दिया है। उसमें जो हमारा स्टाफ था, अमला था वहाँ, उसने जैसे स्नोफॉल रुका उसके मिनिमम स्पीड में हमने इसको रोड को थ्रू करके इसको चालू कर दिया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल टीम ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन से बंद पड़ी 10 सड़कों से बर्फ हटाया। ये सड़कें बर्फ जमने से बंद थी, जिन्हें आज फिर खोल दिया गया और यहाँ गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। इस बार किसी भी तरह की परेशानी किसी एरिया में नहीं आई। पुंछ में बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी जगह से बर्फ को हटा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। यहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास एक पहाड़ी से मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया है। और रविवार सुबह करीब 12:30 बजे लैंडस्लाइड की यह घटना हुई। पहाड़ दरके तो देखते ही देखते पहाड़ी का पूरा मलबा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ गिरा। मलबा सड़क पर गिरने से चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। गनीमत रही कि जिस समय लैंडस्लाइड की घटना हुई हाईवे पर कोई मौजूद नहीं था और न ही कोई गाड़ी आ रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस दौरान पास में ही एक युवक दिखाई दिया जो लैंडस्लाइड का वीडियो बना रहा था, लेकिन जैसे ही मलबा गिरना शुरू हुआ युवक भागता दिखाई दिया। मंडी में हुए लैंडस्लाइड से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हाईवे से मलबा हटाया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी ने 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरा दिया है और माउंट आबू में पारा -6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहां ठंड से पानी बर्फ बनने लगा है।
की सर्दी का असर देखा जा सकता है। आज पुनः माउंट आबू का तापमान -6 डिग्री दर्ज किया गया, देख सकते हो मेरे हाथ में इतनी मोटी पड़त है। राजस्थान का माउंट आबू रविवार को लद्दाख और मनाली से भी ठंडा रहा। यहाँ के मैदानी इलाकों और खेतों में बर्फ जम गई तो कड़कड़ाती ठंड के कारण लोगों के हाथ पांव सुन्न हो गए। गाड़ियों और घास के ऊपर भी बर्फ का कब्जा दिखा। इस दौरान लोग गाड़ियों से बर्फ को हटाते दिखे। बर्फ को देख के इनको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर आने वाले कश्मीर रूपी माउंट आबू के अंदर भी बर्फ जमती है। माउंट आबू में इससे पहले 12 दिसंबर 1994 को तापमान -7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था और अब 42 साल बाद यहां के लोग ठंड के प्रकोप को झेल रहे हैं। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद उत्तरी इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से माउंट आबू के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग यहां आग का सहारा ले रहे हैं। माउंट आबू के अलावा राजस्थान के झुंझुनू, चुरू और राजसमंद जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। झुंझुनू में लगातार 4 दिन से पारा गिरता ही जा रहा है और झुंझुनू में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सर्द हवाओं के कारण झुंझुनू में एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में खेतों पर बर्फ जमी दिखाई दी। पाला पड़ने से किसानों को फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही है। राजस्थान के चुरू में हालात और भी खराब हैं। यहां रविवार सुबह न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। चुरू में सुबह सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, वहीं खेतों पर बर्फ की सफेद परत भी दिखाई दी। राजस्थान के राजसमंद जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। यहां धोइंदा क्षेत्र के खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ की हल्की चादर नजर आई, जिसे देख किसानों के चेहरों पर चिंता साफ साफ दिखाई दी। दिल्ली में नए साल में पड़ी ठंड का पहला राउंड बेहद खतरनाक रहा, लेकिन अब ठंड का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड को पहले राउंड से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। पहले राउंड में दिल्ली वालों ने 2 डिग्री का टॉर्चर झेला और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे राउंड में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम 0 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अनुमान ये भी है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान -4 डिग्री तक गिरेगा और मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जनवरी शाम से ही दिल्ली में शीतलहर चलनी शुरू हो जाएगी। दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत जो आसपास के इलाके हैं उसमें दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा इन शीतलहर का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग दावा कर रहा है कि दिल्ली में इस बार ऐसी सर्दी पड़ेगी जो कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली समेत उत्तर भारत में चक्रवाती हवाएं चलने का अलर्ट है। दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसका असर 23 से 25 जनवरी के बीच देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 से 25 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में मकर संक्रांति तक सर्दी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा था। 2 डिग्री का टॉर्चर झेल चुके दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति से मौसम सुधरेगा, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी से साफ है कि दिल्ली में सर्दी ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में 0 डिग्री का टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है, जिसका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। IMD ने एक अलर्ट भी जारी किया है कि अपने आप को ठंड से बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शीत लहर लोगों को स्वास्थ्य का नुकसान तो पहुंचाएगी, साथ में बूढ़े और बच्चों के लिए ये शीत लहर काफी नुकसानदायक हो सकती है। शीतलहर और कोहरे से हवाई और सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 391 रन का लक्ष्य दिया है। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने 67 रन से जीत हासिल की थी, जबकि दूसरा मैच 4 विकेट से अपने नाम किया। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने 110 गेंदों में 166 रन जड़े और इसी के साथ अपने वनडे करियर का 46वां शतक जड़ा। वहीं शुभमन गिल ने 97 गेंदों में 116 रन बनाए। शुभमन गिल के वनडे करियर का ये दूसरा शतक रहा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 95 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की।